Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti. तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ये गंगरेल डैम का पानी है। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज हो रहे हैं और ये जो सामने एक घर जैसा दिख रहा है बिल्कुल ये वाला, इसमें क्या होता है मतलब फ्लोटिंग बोट टाइप है ना, ये 500 रुपीस लेता है और आपको यहीं पे सब जगह घुमा देगा। और यहाँ पे हम सारे भाई बहन फैमिली मेम्बर्स हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाएं या नहीं, और जाएं तो किस में जाएं, ये आप देख सकते हो सब वेट के इंतज़ार कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। और ये सामने आप एक खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हो, उधर दो लड़कियाँ टिकटॉक बना रहे हैं और एक खूबसूरत सा एक सनसेट। हम लोग जब तक जाएंगे तब तक ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग जाने का सोच लिए हैं, है ना, तो पूरा फैमिली एक बड़े से बोट में जाएंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर अभी भाई हम लोग एक बड़ा वाले बोट में बैठने जा रहे हैं, कुल 32 लोग हैं पूरे फैमिली में, तो वहीं आपको दिखाता हूँ। वो है भाई गंगरेल डैम, आप देख सकते हो डॉल्फिन है। और हाँ यहाँ पे डॉल्फिन वगैरह भी होगा, मिल सकता है, मिल सकता है। और ये सुंदर सुंदर फॉर्मेशन बनाते हुए चिड़िया चिड़िये लोग, काफ़ी सारे चिड़िए हैं, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा बना रहे हैं यहाँ पे। चल 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 धीरे धीरे सब चढ़ते हुए मैं बैठ चुका हूँ और बाकी लोग आ रहे हैं पीछे धीरे धीरे, है ना, हाय हेलो करते हुए आराम से आ रहे हैं सब लोग। ये हमारे मनोज चाचा सेठ जैसे आते हुए, अबे दूसरे का भी आने दे। सिद्धि सिद्धि। तो भाई अभी एक बहुत गजब का सनसेट हो रहा है और हम लोग इस बड़े से बोट में देख सकते हो आप, ये एक बड़े से बोट में बैठे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। भाई सामने का सीन आप देखो, क्या खूबसूरत सा सनसेट है। तो ये है भाई बाहर का सीन और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ये एक सनसेट आप देख सकते हो भाई, बहुत खूबसूरत सा सनसेट है। तो हमारी बोट जो है अब चल पड़ी है और सामने का जो खूबसूरत सा व्यू है आप देख सकते हो, और ये बोट के कुछ नज़ारे हैं। इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा सनसेट। पता इनका देखो ऐसे करो, सीन कुछ ऐसा है देख सकते हो, बहुत गहरा पानी है इधर। और ये है प्रकृति का अनुभव दृश्य, वाह, इससे खूबसूरत और कुछ भाई हो ही नहीं सकता ये। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप बिलीव नहीं करोगे। सामने का नज़ारा तो आपको दिखा दूंगा,
स्पीचलेस भाई, स्पीचलेस बोल नहीं सकता। तो भाई सफ़र का होता है द एंड। इधर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ठोको, शेयर ठोको, मतलब शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी कर दो भाई, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय।